नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, इस कहानी में हम जानेंगे कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्यों को क्या क्या सजाएं मिलती है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं, और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। तो हमने आपको अपनी कई पोस्टों में बताया है कि मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है, और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु मित्रों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष की वीर्य कण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रस में मिलकर एक बच जाता है, फिर 5 रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है, और उसके बाद अंडे की जैसे रूप में परिणित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आते हैं, 2 महीने में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है, और 3 महीने में नख अर्थात नाखून, अस्थि, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है, फिर 5 महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है, और 6 महीने से झिल्ली से लिपटकर वह कोख में वह घूमने लगता है। उस समय माताजी द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है, और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। गर्भ में पल रहा शिशु सुकुमार तो होता ही है, जो वहाँ की भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अक्षेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्मों याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पर पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीर्घवाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यह याचना करता है कि हे प्रभु, माना मैं बड़ा अधर्म हूँ, माना मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा अदम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, और आपने जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। वह शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हो, और इसलिए इंद्रिय गुण शब्द आदि विषय और विधाभास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है, देहधारी जीव दूसरे देह अर्थात माँ की गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर की कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतृप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। घर में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से एक सा धन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। आथा आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ।
भगवन इस अत्यंत दुःख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाली जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहंकार बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही रहना होता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि वे उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दें। फिर 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत्यु लोक में आता है तो वह उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्यन होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह शिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य बाल्यावस्था के दुःख भोगकर युवा अवस्था में पहुंचता है। युवा अवस्था के समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे काम ही पुरुषों के साथ बैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर से मृत्यु काल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों में लगे हुए विषी पुरुषों से समागम हो जाता है और वह उसी का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान नहीं, वह फिर नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सब गुण नष्ट हो जाते हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में रुक्त रहता हो, अशांत और वह अर्थात मूर्ख हो, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों की संगियों का संग करने से होता है। इससे जुड़ी एक कथा में बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूपलावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपी माया से मोहितन हो। इतना ही नहीं, स्त्री रूपी माया में इतना बल है कि वह अपने भ्रकुटी अर्थात नयन से बड़े बड़े दिग्विजय वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग्य के परम पथ पर आरोग्य होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा कभी भी खो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करें, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नर्क का खुला द्वार बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसे जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मनुष्य की उनकी उम्र जब डलने लगती है अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है तो उसे इस जन्म में किए गए तब तक के कर्मों के हिसाब से इसी मृत्युलोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उसे घर से निकाल देता है तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था और यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है।
जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता है तो उसे माँ के गर्भ की तरह ही एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और भगवान से यह बार बार विनती करता है कि हे प्रभु, इस कष्टरूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके? उस समय वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद कर बार बार रोता भी है। वह सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता हूं, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था, उस समय तुम लोभ, काम, क्रोध से आसक्त हो बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए हे देहधारी, अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं और बच जाता है स्थूल शरीर। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। तो मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।